उसको उसके खिलाफ एक्शन हुआ था उसके बारे में आपको सबको पता ही है। उसके 2 दिन पहले मैं मयूर विहार फेज़ 2 में गया था, वहाँ लोगों ने शिकायत की, वहाँ के RWA के लोगों ने काफ़ी शिकायत की थी, और उसके बाद मैं पर्सनली देख के आया था क्या गड़बड़ियाँ हैं। फिर मैं एक्साइज़ की टीम को लेकर वहाँ गया, और जब टीम को लेकर गया, टीम सारा डेटा वगैरह लेके गई थी, तो पता चला कि वहाँ दुकान जो 3-4 दुकानें थीं उस मार्केट में, वो जो सरकारी या प्राइवेट, वो तो चली रही थी। एक तो व्यक्ति ने अपने एक लाइसेंस पर 2 दुकानें चला रखी थी, और वो डिपार्टमेंटल स्टोर का लाइसेंस था। डिपार्टमेंटल स्टोर इसलिए बनाए गए थे कि आम आदमी जब कोई खरीदारी करने जाता है परिवार के साथ में, तो वहाँ उसको उस डिपार्टमेंटल स्टोर में 5-10% मैक्सिमम 15% तक बियर या वाइन भी रख सके, उस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर का कॉन्सेप्ट ये था। पूरा शराब की दुकान खोलने का कोई आइडिया नहीं था जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, लेकिन मैंने देखा कि डिपार्टमेंटल स्टोर के लाइसेंस पर, एक लाइसेंस पर 2 दुकानें चल रही हैं, और पूरी तरह से शराब की दुकान है वो, जबकि डिपार्टमेंटल स्टोर शराब की दुकान की तरह से नहीं चल सकते। रूल ये होता है कि 15% मैक्सिमम पे रखेंगे, उन्होंने 85% और जनरल स्टोर होना चाहिए उसमें, और सामान होना चाहिए तभी वो माना जाएगा, लेकिन उसमें पूरी तरह से उन्होंने शराब रख रखी थी। जो डिपार्टमेंटल स्टोर का चिलर होता है जिसमें पनीर वगैरह रखने के लिए अला होता है, उसमें भी उन्होंने ठंडी बियर रख रखी थी। तो ये 3-4 तरह के वायलेशंस उसमें थे, तो उस दुकान को तो उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उस वक्त सील कर दिया था, उसको शोकॉज दिया गया था और सस्पेंड करके अब आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहा है कि जो भी मैक्सिमम कार्रवाई कानून के मुताबिक उस दुकान के खिलाफ और दुकान वाले के खिलाफ हो सकती है, वो उसके खिलाफ की जाए। लेकिन ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है इस तरह के एक्शन की कि दिल्ली में जहाँ भी दुकानें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, लाइसेंस को उल्लंघन करके चल रही हैं, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रही हैं, उनके खिलाफ सरकार बहुत सख्ती से पेश आएगी। इसके लिए हमने 3-फोल्ड कार्यक्रम बनाया है। पहला तो ये है कि आज से सारी टीम्स को लगा दिया गया है एक एक दुकान का इंस्पेक्शन करने के लिए। हर एक दुकान का इंस्पेक्शन किया जा रहा है, लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पे फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही, वहाँ पर कोई पब्लिक न्यूसेंस जैसा तो नहीं है। और पिछले साल मैंने ऑर्डर किए थे हर एक दुकान में CCTV लगवाने के, तो CCTV लगवाएं कि नहीं लगवाएं, वो CCTV काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और साथ साथ जो हमारे अब इंस्पेक्टर्स जाएंगे, तो मैंने उनको ये भी कहा है, आज मीटिंग बुलाई थी मैंने सुबह ऑफिसर्स की, कि दुकान के आसपास का माहौल भी देखें। वहाँ जो दुकान के साथ साथ अप्लाइड बिजनेस शुरू हो जाता है ना, अलाइड बिजनेस शुरू हो जाता है, बाजू में चने की दुकान खुल जाती है बाजू में, और उस पे पेप्सी या कोई कोल्ड ड्रिंक और ग्लास मिलने लगते हैं बाजू में, और टिक्के की दुकान खुल जाती है, ये सारी दुकानों से एम्बियंस समझ में आता है। तो मैंने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि एक एक दुकान का जब इंस्पेक्शन करें, तो ये भी देखें कि उसके आसपास जो अलाइड बिजनेस चल रहा है, वो अगर ओपन लिकर कंजम्पशन को बढ़ावा देने वाला है, तो दुकान को इंस्ट्रक्शन देके आए कि बाहर भी CCTV लगवाए। बाहर का पूरा एरिया CCTV से कवर होना चाहिए दुकान के आसपास का, ताकि वहां भी कोई खड़े होकर शराब पिए तो पकड़ में आ सके। तो पहला तो ये बहुत इंस्पेक्शन का दौर चलेगा 1 हफ्ते तक, और एक एक दुकान का बहुत सघन इंस्पेक्शन करवा के उसको जितने इंस्ट्रक्शन देने हैं उसका कंप्लायंस कराएंगे। उसके बाद में एक जागरूकता अभियान चलाना है कि जो हमारा ये दिल्ली एक्साइज एक्ट है, इसके तहत शराब पीना, ओपन में शराब पीना, ओपन में लिकर कंज्यूम करना क्राइम है। अगर कोई व्यक्ति ओपन में कंज्यूम करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसको ₹5,000 का जुर्माना, और अगर वो हंगामा करता है शराब पीने के बाद में, ₹10,000 तक का जुर्माना उसके ऊपर लग सकता है। तो इस एक्ट का अब हम पहले प्रचार करेंगे लोगों के बीच में, लोगों से अपील करेंगे कि महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए और मार्केट की डिग्निटी को देखते हुए ओपन में शराब ना पिए, ओपन में लिकर कंज्यूम ना करें। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको हम पहले समझा के रोकने की कोशिश करेंगे, और हफ्ते भर तक पूरा नागरिक जागरूकता अभियान चलाएंगे लोगों के बीच में जाके, और साथ साथ में इंस्पेक्शंस तो चलते रहेंगे दुकानों के आसपास। लेकिन 7 नवंबर से इस जागरूकता अभियान के बाद भी कोई नहीं मानता, और दुकानों के इंस्पेक्शन के बावजूद अगर दुकानदार भी इस समय शामिल रहते हैं, और जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद अगर कुछ लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग या जो भी लोग हैं, वो शराब की दुकानों के आसपास खुले में शराब पीते हुए पाए जाएंगे, तो उनको गिरफ्तार कराया जाएगा।
उनके खिलाफ हमारी एसी जो हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम्स हैं वो जाएंगी। 7 नवंबर तक हम लोग टीम्स भी फॉर्म करेंगे, स्पेशल टीम्स बनाएंगे, और वो स्पेशल टीम्स जा जा के रोज़ाना रात को 10 बजे तक, और ख़ास तौर से जो शाम का समय है जिस वक्त ज़्यादा न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस ज़्यादा होती है, महिलाएं महिला सुरक्षा का जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल समय रहता है, उस समय जाके दुकानों का सर्वे करेंगे, दुकान के आसपास के माहौल का सर्वे करेंगे, और कोई भी व्यक्ति वहाँ पर अगर शराब पीते हुए पाया गया ओपन में तो उसको वहाँ उसको अरेस्ट करवाएंगे और उसके ऊपर जुर्माना लगवाएंगे। तो ये सख्ती करने जा रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, थ्री फोल्ड कार्यक्रम है। पहले सारी दुकानों को इन ऑर्डर करना है कि अगर कहीं भी कोई ज़रा सा भी वायलेंस वायलेशन पाया जाता है रूल का तो उसको ठीक करवाएं, उसके खिलाफ एक्शन लें। दुकानों को सबको ठीक कराने के बाद, जहाँ भी कोई गड़बड़ी है उस सबको ठीक कराने के बाद पब्लिक को भी जागरूकता करना है और टीम्स फॉर्म करनी है। साथ साथ 7 नवंबर से अगर फिर भी जागरूकता के बाद भी और इस सब के बावजूद ये चालू रहता है दिल्ली में तो इसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होगा। खुले में शराब पीने वाले लोगों को मैं अपील भी करना चाहता हूँ, उनको वार्न भी करना चाहता हूँ कि पब्लिक न्यूसेंस, महिला सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब मत करिए। आपके परिवार के लिए भी ठीक नहीं है, आपको भी जेल जाना पड़ सकता है, आपको भी जुर्माना भरना पड़ सकता है और इससे सोसाइटी का भी माहौल खराब होता है। सर, आपकी इस पूरी मुहिम के अंदर आपको लगता है कि क्या दिल्ली पुलिस आपको कोऑपरेट करेगी, क्योंकि इसमें वो टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी? नहीं, इसमें इसमें हमारे पास में एक्साइज एक्ट में पूरी पावर है। एक्साइज एक्ट में हमारे इंस्पेक्टर्स को, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको पूरी पावर। वो भी करेंगे पर पहले ये तैयारी कर लें, पहले जो अपने ये थ्री फोल्ड मैंने बताया उसके बाद फिर पब्लिक से शिकायतें भी मंगाएंगे। उनके खिलाफ बिल्कुल, इसीलिए तो ये जो पहला हफ्ता अभी हम सघन अभियान चला रहे हैं, हमारे इंस्पेक्टर्स जा रहे हैं, अगर शराब की दुकान वाला कोई गड़बड़ करता हुआ पाया जाएगा तो आज से ही जो जा रहे हैं इन सबको हमने कहा है कि अगर कोई वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लो, तुरंत एक्शन लो वहां पे। एक मिनट, यही हमारी जो स्पेशल टीम्स है ना, पहले तो हम पब्लिक से भी अपील करेंगे कि खुले में शराब पीना दिल्ली में अपराध है, और अगर कोई पकड़ा जाएगा हमारी टीम्स जाके रेड डालेंगी, आसपास की दुकानों पे भी जाएंगी, जो आप बोल रहे हो जूस की दुकान, आसपास के रेस्टोरेंट्स, ढाबे, या वहाँ जो जैसे मैंने कहा चने की दुकान, या वो छोटे छोटे जिस जगह हम गए थे वहाँ भी आसपास एक चिप्स रखने के साथ साथ उसके यहाँ ग्लास की लाइन लगी हुई थी, तो ग्लास किस लिए बेच रहा है भाई, इसका मतलब शराब पी जा रही है वहाँ पे खड़े होके। तो ये सारी चीज़ों को ही हमारी टीम जाकर रेड करेगी और उनको लोगों को अरेस्ट करेगी अगर इस तरह का करेगी। हंगामे के अगर कोई शराब पीकर हंगामा करता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना सीधे और उसको अरेस्ट किया जा सकता है। पूरा इलाका वहां लोग मतलब जाते इसी पर्पस से है। नहीं, एक्शन लेंगे, इसीलिए तो कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि जिस शराब की दुकानें जिस तरह से चल रही हैं उनके खिलाफ में टीम्स जाती हैं, नॉर्मल शराब की दुकान का इंस्पेक्शन करके आ रही हैं, लेकिन अब थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस के बाद हम लोग जो लोग शराब पी रहे हैं आसपास उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। गिरफ्तार कर सकता हूँ। थैंक यू।